हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि मैम आपके हस्बैंड का पिक दिखाइए, या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों वीडियो नहीं बनाती हो, क्यों उनको सामने नहीं लाती हो। बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं, इवन इंस्टाग्राम में भी। फेसबुक मैं खैर बहुत कम यूज़ करती हूँ, पर फिर भी कभी कभार फेसबुक पर भी वीडियो डाल देती हूँ। पर मैं अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को बहुत कम एक्सपोज करती हूँ। पर इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, और अपने हस्बैंड को शो ऑफ करने में हर्ज क्या है? सोशल मीडिया पे उनको एक्सपोज करने में हर्ज क्या है? और मैं इंस्टाग्राम कहिए, फेसबुक कहिए, कहीं भी हो, मैं अपने हस्बैंड को बहुत कम शो ऑफ करती हूँ। पर ऐसा क्यों? एक एडवाइस सबसे पहले करना चाहूँगी कि आप भी अपने पार्टनर को ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव ना करें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलके इकट्ठे काम करते हैं, उनको ज़रूरी है, तो ये बात अलग है। पर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आप अपने पार्टनर को हाइड ही करके रखना। इसके पीछे रीज़न क्या है, चलिए एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हर कोई चाहता है ना कि उसका जो पार्टनर हो उसका एक क्लास हो, वो रिच हो, सुंदर हो। अगर लड़की की बात करूँ तो सुंदर हो, गोरी हो, या फिर कुछ भी हो, मतलब फैशनेबल हो, मॉडर्न हो, एक तौर से अच्छी हो। और लड़कों की बात करो तो हैंडसम हो, रिच हो, कार हो, गाड़ी हो, घर हो, सब कुछ हो, वगैरह वगैरह। सब लड़कियां चाहती हैं। चाहत, ज़रूरत और रियलिटी, ये तीन चीज़ें जो है वो वास्तव है। डेफिनेटली इसमें फ़र्क है, पर चाहत तो अपनी जगह होती है ना। एक बात ये है कि आज के डेट पे ना ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है हर एक इंसान के। और हर इंसान आज के डेट में सोशल मीडिया पे हद से ज़्यादा एक्टिव है। पर एक बात बताओ, कौन कैसा है, कौन कैसे मेंटालिटी का है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपका वेल विशर है और कौन आपका नुकसान चाहता है, क्या आप जानते हो? कौन आपसे जलता है, कौन आपका ट्रू फ्रेंड है, ये भी आप नहीं जानते। मान लीजिए कि आप एक लिविंग रिलेशनशिप में हो, या फिर आपने शादी कर ली है, या फिर आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, और आप अपने शान से, बड़े शान से अपने पार्टनर के साथ पब्लिक पोस्ट कर रहे हो। आप दिखा रहे लोगों को, देखो मेरा हस्बैंड या फिर मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, कितना गुड लुकिंग है, कितना रिच है, मेरे पीछे कितना पैसा खर्चा करता है। या फिर कोई, आप अगर कोई लड़का हो तो आप दिखा रहे हो कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी मॉडर्न है, अपडेटेड है, ये वगैरह। मतलब जो लोग शो ऑफ करते हैं ना, लोगों को आप दिखा रहे हो ना, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को, मतलब आप कितना हैप्पी हो, ये हो, वो हो, तो आप अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे एक्टिव कर रहे हो। लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सेस करने का मौका दे रहे हो। हो सकता है कि आपकी बीवी घरेलू हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, बहुत नॉर्मल हो, नॉर्मल जॉब करते हो या कुछ और। तो ये आपके पर्सनल लाइफ को जितना डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो और आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं। पर सब आपके वेल विशर तो नहीं, सब आपका भला नहीं चाह सकते। तो जो आपके दोस्त हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, या फिर कोई भी और आपके वेल विशर जो भी हैं, उनको आप ये मौका दे रहे हो अपने पर्सनल लाइफ को एक्सेस करने का। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, पता है, जो अपने पार्टनर को पूरी तरीके से हाइड करते हैं। किसी ने शादी की, उनके फॉलोअर्स को पता है कि उन्होंने शादी की, पर किससे की अभी भी राज है। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है, शायद कभी एक्सपोज हो, पता है क्यों? क्योंकि चाहे आप सोशल मीडिया पे कितना भी एक्टिव रहो, कुछ भी करो, पर पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ होती है। और ये वो ना अपने पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहते, क्योंकि जितना आप अपने पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करते हो, पब्लिक करते हो, उतना आप लोगों को मौका, मतलब इनवाइट करते हो अपने पर्सनल लाइफ में घुसने का। क्योंकि आपने एक पिक पोस्ट की, हो सकता है कि आपका कोई दुश्मन हो सकता है कि आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है कि आपका कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ पहले जुड़ा था, हो सकता है कि ऐसा इंसान हो जो आपसे जलता है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो बिल्कुल भी अच्छा, आपका अच्छा नहीं चाहता, वो कुछ ऐसा आपको उस पोस्ट में कमेंट का पास कर देगा, या फिर हज़ारों अच्छे कमेंट के बीच में एक बहुत बुरी कमेंट जो आएगी ना, वो पूरा का पूरा एकदम आपको हिला के रख देगा। हो सकता है, पॉसिबल है, और हो सकता है कि कोई आपके पर्सनल लाइफ में एंटर करके आपके पर्सनल लाइफ को बर्बाद करना चाहे। और भी एक रीज़न है जिस वजह से आपको आपके पार्टनर को ज़रूर हाइड करके रखनी चाहिए।
और वो है मिसमैचिंग। मिसमैचिंग का मतलब ये नहीं कि मतलब आप खुश नहीं हो, आप बहुत खुश हो अपने पार्टनर के साथ, पर हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का मतलब अगर कोई देखे आप दोनों को तो उनको लगे आप दोनों के बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है, क्या यार किससे शादी कर ली, या फिर क्या यार किससे शादी कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है कि वो आपको खुश नहीं रखते, वो आपको बहुत खुश रखते हैं और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, ऑनेस्ट पर्सन है। पर ये दुनिया नहीं समझेंगे, दुनिया आपको ऐसे ताने मारेंगे ना, अरे यार भगवान, बहुत सारे कहावत होती है जो लोग झाड़ने लगते हैं, जैसे कि लंगूर के हाथ में अंगूर ऐसा कुछ, या फिर बंदर के गले में मोती का माला, बहुत सारे ऐसे हैं कहावत जो लोग ना पास करते हैं। और ऐसे कमेंट अगर आपके पार्टनर पढ़ ले तो हो सकता है कि वो बुरा मान जाए, क्योंकि हर इंसान के सीने में ना एक दिल होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप ना हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को एक्टिव ना रखो, कि जब लोग ट्रोल करते हैं ना तो इसका पूरा का पूरा असर कभी ना कभी आपके रिश्ते में ज़रूर पड़ता है। और रीज़न है कि आपको अपने पार्टनर को ज़रूर हाइड करके रखनी चाहिए, और इसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बदल गया हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो। अब क्या होता है ना, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ है कि आप किसके साथ रहोगे, किसके साथ नहीं रहोगे, रिलेशनशिप रखोगे नहीं रखोगे, ब्रेकअप कर लोगे, डिवोर्स ले लोगे, ये पूरा का पूरा आपका डिसीजन है। पर क्या होता है, हर बार अगर आप पब्लिकली पोस्ट करते हो ना, जैसे कि हमारी अभी अभी एक बंगाली हीरोइन है जिसका नाम है श्रावंती, उनकी 3 शादी है, पहली एक हुई उनका उनसे एक बच्चा है, फिर उन्होंने एक से शादी की नहीं टिकी, फिर एक से शादी की नहीं, अभी वो चल रही है, लास्ट वाली चल रही है 3 शादी के बाद। पर इंसान कैसे हैं कैसे नहीं है मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं उनके पेज को मैंने फॉलो किया था, जब मैं बहुत पहले उनको देखी थी, तो जब भी ऐसा कोई पोस्ट वो करते हैं ना तो हम उसे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है, तो हम देखते हैं ना लोग कितने गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं उनके बारे में, वो एक हीरोइन है तब भी। और ये ज़्यादातर ना ऐसे इंसान के साथ, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पर्सनल लाइफ जो है ना वो आपका पर्सनल है, और आपके पार्टनर तो उस पर्सनल लाइफ का एक मिडिल पॉइंट है ना, तो आपको हमेशा अपने पार्टनर को जितना हो सके हाइड करके रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना ये जो पर्सनल लाइफ होती है ये अटैक, इस पर अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक एकदम सेफ साइट होती है आपकी ज़िंदगी में, और इसको सेफ करके ही रखना ज़रूरी है। हाँ इंडीड, आप दोनों ही, जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं दोनों मिलके यूट्यूब चलाते हैं वो अलग बात है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं जो मिलके बिज़नेस चलाते हैं वो अलग बात है, पर अगर आप ऐसा नहीं होगा, जैसे कि मैं कैमरे के फ्रंट पे बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे अपने पार्टनर को दिखाने की क्या ज़रूरत है, वो थोड़ी ना आपको कुछ एडवाइस करते हैं या करेंगे, तो मुझे अपने पार्टनर को दिखाने की क्या ज़रूरत है। हाँ मैं बहुत बार थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कभी कभार कुछ पोस्ट कर भी देती हूँ, पर वो कभी कभार होती है, बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ। बहुत लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं ना, इसका तो काम ही है लड़के बदलना, और वो ना ये कमेंट पास करते हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला शिकार कौन है इसका, या फिर कौन इसकी अगली शिकार है, ऐसे टाइप के कमेंट लोग तो पास करेंगे ही। तो ये बेटर है ना कि आप अपने पार्टनर को हाइड करके रखो। तो ये ना मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जिसके बिहाफ पे मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, पहली बात, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब नहीं, इससे बाहर भी मेरी एक दुनिया है, जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ, छोड़ो या लॉकडाउन की वजह से या यूट्यूब की वजह से मैं अभी उस प्रोफेशन को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, मैं काम बहुत कम कर रही हूँ, पर करती भी हूँ, कर रही हूँ, 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ, वहाँ भी बहुत लोग नहीं जानते कि मेरा हस्बैंड कौन है, सब जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, सब जानते हैं कि मेरे बच्चे भी हैं, पर मेरा हस्बैंड कौन है बहुत कम जानते, पता है क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हस्बैंड तक पहुँचे, इस बात से नहीं कि मैं डरती हूँ या कुछ और, इस बात से मैं ज़रूर डरती हूँ कि बाहर की दुनिया के वजह से मेरी जो अंदर की दुनिया है, मेरी जो घर की दुनिया है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना
कुछ बातें ऐसी होती है जो आप समझा नहीं सकते, और अगर ये दिमाग में घर कर जाए ना बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रही हूँ, पर्सनल तरीके से बता रही हूँ। व्यूअर्स, आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आपको कुछ भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ स्टोरी टाइप का या फिर कुछ और शेर व शायरी मुझसे सुनना चाहते हो तो आप मेरी दूसरी जो चैनल है रितु सरकार, उसको फॉलो कर सकते हो। अभी मैं उस पर भी हिंदी कंटेंट डालने लगी हूँ, पर हाँ, वो थोड़ी सी शेर व शायरी में होती है या फिर थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग में होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।